नमस्कार, आज लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण समाप्त हो गया है। इस चरण में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वोटिंग के दौरान बूथ पर ग्रेनेड से हमला किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलवामा में रोहमू मतदान केंद्र पर ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन उससे हुए धमाके में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आज वोटिंग के दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक अनोखी मिसाल देखने को मिली, जब एक युवक अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचा और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि युवक का मुंडन संस्कार भी हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, युवक ने मुंडन भी करा रखा है और सफ़ेद कपड़े भी पहने हुए हैं और पोलिंग बूथ पर आया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जबकि उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी एक दुल्हन विदाई से पहले ससुराल जाने की बजाय पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची। शादी के जोड़े में दुल्हन मतदान करने पर पहुंची थी। वहीं छपरा में आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इसी बीच अमेठी, बाराबंकी और फैजाबाद से मतदान बहिष्कार करने की भी खबरें सामने आई हैं। तो चलिए देखते हैं आज के रिपोर्ट कार्ड को। इस चरण में 674 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला अब ईवीएम यानी कि वोटिंग मशीन में कैद हो गया है। आज की चरण की समाप्ति के बाद लोकसभा की 425 सीटों के लिए चुनाव पूरा हो गया है और शेष दो चरणों में 118 सीटों के लिए मतदान बाकी रह गया है। इस तरह अगर देखें तो 17वें लोकसभा चुनाव का 3/4 से अधिक सफर पूरा हो चुका है। आज चिलचिलाती गर्मी के बावजूद चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों का जोश बना रहा, लोगों ने जमकर वोटिंग की। एक बार हम पुराने चरणों पर नज़र डाल लेते हैं कि कितने परसेंट वोटिंग हुई थी और आज का परसेंटेज क्या रहा, वो हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप आज के वोटिंग परसेंटेज के लिए स्क्रीन पर बने रहें और जो पहले चरणों में वोटिंग परसेंटेज हुआ है उसको हम एक बार बताते हैं। आप सभी को पता है कि लोकसभा 2019 का चुनाव 7 चरणों में होना है। इसका पहला चरण 11 अप्रैल को हुआ, जिसमें 69.5% मतदान हुआ। इसी प्रकार दूसरा चरण 18 अप्रैल को हुआ, इसमें 69.4% मतदान हुआ। तीसरे चरण की बात करें तो 23 अप्रैल को यह चरण समाप्त हुआ, जिसमें 67.9% मतदान हुआ। इसी प्रकार अगर हम चौथे चरण को देखें तो 29 अप्रैल को मतदान हुआ था 64%, जिसमें मतदान किया गया। पांचवा चरण आज है, छठवा चरण 12 मई को होगा और सातवां चरण 19 मई को होगा। 23 मई को वोटिंग काउंटिंग होगी। आज के चरण के परसेंटेज को आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लोकसभा चुनाव के आज के पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इनमें बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर जमकर मतदान हुआ। पांचवें चरण में भाजपा के समक्ष 39 सीटों को अपने खाते में बचाए रखने की चुनौती रही। इसमें से अधिकतर सीटें हिंदी बेल्ट के क्षेत्रों में हैं। 2014 के चुनाव में इनमें से यूपी की 12, राजस्थान की सभी 12, मध्य प्रदेश की सभी 7, झारखंड की सभी 4, बिहार की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भाजपा काबिज थी। चुनाव विश्लेषकों की माने तो पांचवें चरण में भी कई राज्यों में कांटे की टक्कर रही है। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी सपा बसपा गठबंधन और बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर है। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है उन पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। उनमें धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौसाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट शामिल थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 14 सीटों में 12 सीटें जीती थीं, जबकि अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस बार प्रदेश में सपा और बसपा गठबंधन के चलते सभी 12 सीटों पर मिजाज बदल चुका है। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए सभी 12 सीटों पर वापसी करना एक चुनौती भी है। जातिगत आंकड़ों की राजनीति वाले उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन का कुछ असर जरूर है। इस चरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राजीव प्रताप रूडी, पूनम सिन्हा जैसे दिग्गज मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में अब कैद हो गया है। रायबरेली में सोनिया गांधी की राह भले ही आसान दिख रही हो, लेकिन अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी भारी पड़ रही हैं। यहां का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। 2014 में भी दोनों आमने सामने थे, लेकिन बाजी राहुल के खाते में गई थी। ऐसे में इस बार यह देखना होगा कि स्मृति ईरानी कितनी छाप छोड़ पाती हैं। यही नहीं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ सीट पर काबिज हैं, जहां पर मतदान आज जमकर हुआ। देश के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, इनकी यह परंपरागत सीट रही। लखनऊ में राजनाथ सिंह के मुकाबले महागठबंधन ने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को मैदान में उतारा था।
वहीं पांचवें चरण में मध्य प्रदेश की जिन 7 सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीट शामिल थी। 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पांचवें चरण की सभी 7 सीटें जीती थी। हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद यहां पर स्थिति जरूर बदली है। ऐसा ही कुछ हाल राजस्थान में भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थी, लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसकी वजह से बीजेपी को अच्छी खासी टेंशन है और कांग्रेस का ग्राफ यहाँ पर कुछ बढ़ता नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो पांचवें चरण में बीजेपी राजस्थान के लिए सभी 12 सीटों पर जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल यह तय माना जा रहा है कि पांचवें चरण के चुनाव में बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं है जैसी कि लोकसभा चुनाव 2014 में थी। इस बार हर सीट पर उसे कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। आपको उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों की जानकारी देता हूँ कि ये सीटें किसके खाते में जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहराइच लोकसभा सीट की। यहाँ पर 2014 के मुकाबले भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को 95,590 वोटों से हराया था, लेकिन सपा और बसपा के कुल वोटों को मिला दें तो मौजूदा भाजपा प्रत्याशी अच्छे बार लाल मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। बहराइच से भाजपा सांसद सावित्रीबाई फूले ने हाल ही में भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस बार वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सपा से गठबंधन प्रत्याशी शब्बीर अहमद वाल्मीकि को मैदान में उतारा गया है। अगर मोहनलालगंज सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा सांसद कौशल किशोर दूसरी बार सत्ता हथियाने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन यहाँ पर फायदे की स्थिति में है। यहाँ पर कौशल किशोर का मुख्य मुकाबला बसपा के सीएल वर्मा से है। 2014 के चुनाव में कौशल किशोर को 455,274 जबकि बसपा के आर के चौधरी को 309,858 वोट मिले थे, लेकिन सपा बसपा गठबंधन के बाद भाजपा के लिए यह मुकाबला आसान नहीं रह गया है। कौशाम्बी लोकसभा सीट की बात करें तो इस लोकसभा में भाजपा का मुकाबला सपा उम्मीदवार से है। यहाँ पर 2014 में भाजपा के विनोद कुमार सोनकर को 4.72% यानी कि 42,900 वोटों से जीत मिली थी। इस बार विनोद कुमार का मुकाबला सपा के इंद्रजीत सरोज से है। बसपा के लिए पिछली बार जितने वोट पड़े थे अगर उन्हें सपा के साथ मिला दें तो विनोद सोनकर के लिए यहां पर वापसी करना मुश्किल होगा। इसी तरह अगर हम सीतापुर, बांदा, कैसरगंज और धौरहरा में भी भाजपा की राह आसान नहीं दिख रही है। हालांकि सपा और बसपा गठबंधन के बावजूद भाजपा लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद, बाराबंकी और फतेहपुर में मजबूत दिख रही है। चुनाव का पांचवा चरण कांग्रेस के लिए काफी अहम है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। ये कांग्रेस के लोगों के लिए सरदर्द भी बनी हुई है। इस तरह आपने देखा कि 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो रहा है। एक आकलन के अनुसार इनमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। हालांकि यह आंकड़ा 11 सीट तक पहुंच सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी थोड़े दिग्गज हैं। गौरतलब है कि देश में 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न होने हैं। अब तक 5 चरणों के चुनाव के लिए मतदान का काम संपन्न हो चुका है, यानी कि हम कहें 5 चरणों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद हो चुका है। मतों की गिनती का काम 23 मई को होगा। इस बार 90 करोड़ मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। पिछले आम चुनाव के मुकाबले 8,47,00,000 वोटर बढ़ गए हैं। 19 साल की आयु के 1.5 करोड़ मतदाता इस बार वोटिंग कर रहे हैं। इस बार 1,00,000 मतदान केंद्र भी बढ़ गए हैं। सभी पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम में उम्मीदवार की तस्वीर भी लगी होगी। हम आपको पांचवें चरण की सभी लोकसभा सीटों को बता रहे थे। आपने देखा कि बीजेपी और महागठबंधन और अन्य राज्यों की पार्टियाँ किस प्रकार चुनावी मैदान में लड़ रही हैं और किसके लिए कितनी लड़ाई आसान है या कठिन है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे जमकर शेयर करें ताकि हमारी रिपोर्ट्स को और भी लोग देखें और अपना आकलन करें। हालांकि नतीजे 23 मई को ही सामने आएंगे। सटीक नतीजों के लिए हम 23 मई को आपके लिए लाइव आएंगे और हर लोकसभा सीट की जानकारी आपको बखूबी ईमानदारी से दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।